आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिकंसिलेशन की। आपको पता होगा कि जीएसटी रिकंसिलेशन इस समय बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि आप सितंबर माह की रिटर्न भर रहे हैं और अगले महीने अक्टूबर की रिटर्न भरेंगे, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेटा रिकंसाइल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उस डेटा को रिकंसाइल नहीं करा तो आपका ITC लैप्स हो सकता है। अगर आपने लायबिलिटी को रिकंसाइल नहीं करा तो आपकी लायबिलिटी के अंदर दिक्कत आ सकती है। अब जब हम बात करते हैं रिकंसिलेशन की, तो कई लोगों को लगता है सर ये रिकंसिलेशन होती कैसे है, तो भाई कई सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, ठीक है ना, जिनसे आप इन रिकंसिलेशन को कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि सर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जिसे हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे उसका नाम बताइएगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसके जो मालिक है पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही कमेंट करा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हम बात कर रहे हैं TCS आयोन इसके सॉफ्टवेयर की। कुछ दिनों पहले ये सॉफ्टवेयर मुझे दिखाया गया, तो जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को देखा तो मुझे लगा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने सारे डेटा को इजीली रिकंसाइल करते हैं। सर क्या बताता है ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है तो आप नीचे दिए लिंक से क्लिक करके, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में रिकंसिलेशन कैसे करें, तो चलिए इस सॉफ्टवेयर का हम थोड़ा सा डेमो ले लेते हैं। जब हम इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे GST का डेटा, जितने भी GST हमारे पास होंगे, आपके जितने भी क्लाइंट के डेटा होंगे, वो आप सारा डेटा यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अब आपको लेट सपोज कोई डेटा सर्च करना है, जैसे मान लो टाटा MH का डेटा सर्च करना है, आप उस पर क्लिक कर देंगे और डेटा सर्च कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ जाता है कि इसमें ड्यू डेट्स आपको दिखाई देती है कि भाई कौन कौन सी जो ड्यू डेट है, कौन कौन सी ड्यू डेट आपकी आने वाली है, आपको पहले से ही पता लग जाता है। आपका जो भी GST नंबर सिलेक्ट करोगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई उसकी रिटर्न पेंडिंग है, उसका फाइलिंग स्टेटस क्या है, चाहे वो GSTR 1 है, चाहे वो GSTR 3 भी है, चाहे 9 है, 9C, सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सारा का सारा डेटा आएगा कैसे, तो भाई ये डेटा को आने के लिए करना क्या पड़ेगा मैं आगे चल के इसमें बताऊँगा। ये आपसे एक बार OTP मांगेंगे, क्योंकि भाई ये भी तो देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपके पास सही user ID पासवर्ड है या नहीं है। तो आप user ID पासवर्ड यहाँ पर दोगे तो ये एक बार OTP मांगेंगे और वो लगभग एक महीने तक वैलिड होगा, बार बार आपको उसे करने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार OTP डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारा का सारा डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। तो हम इसका डेमो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इससे GSTR 1 कैसे अपलोड होगी, इससे डेटा रिकंसाइल कैसे होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आपने देखा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। अगर यहाँ पर आप GST नंबर कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी और व्यक्ति का देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसका GST नंबर यहाँ पर डालेंगे और आप दूसरे डेटा पर स्विच कर जाएंगे। तो स्विचिंग का ऑप्शन भी यहां पर आसान है, जैसे आप पोर्टल पे सर्च करते हैं यहां पर भी आप ऐसे कर सकेंगे, बल्कि ये जो है ये बड़ा आसान है, आप दूसरे GSTN पे कभी भी स्विच कर सकते हैं, यहां पर आपको ये ऑप्शन देगा। तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पर जा सकते हैं। ये TCS आयोन का सॉफ्टवेयर है और TCS हमारा GST सुविधा प्रोवाइडर है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, हालांकि यहां पर ये लेजर बैलेंस वगैरह भी आपको दिखा रहे हैं कि भाई आपके लायबिलिटी रजिस्टर में क्या बैलेंस है, आपके कैश लेजर में क्या बैलेंस से, क्या आपका फाइलिंग स्टेटस है, ये सारी चीज इन्होंने बता दी। अब इसके बाद हम चलेंगे कि भाई इनका जो लेजर्स है, ठीक है ना, इनके जो मेन्यू है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो आप किसी भी GSTN पर स्विच करके जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप विद इन ए सिंगल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो भी डेटा आपको इंपोर्ट करना है सारा डेटा यहाँ पर देखें। जब आप मेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। GSTR 1 दिखाई दे रही है, GSTR 3 भी दिखाई दे रही है, जी गेट रिटर्न डेटा। जैसे ही आप गेट रिटर्न डेटा पे जाएंगे तो सारा का सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। इनवॉइसिंग रिपोर्ट कर सकते हो, रिकंसिलेशन डेटा को देख सकते हो, यहाँ से आप डेटा को रिकनसाइल भी कर सकते हो। जैसे हमने आपको पहले बताया OTP कैप्चर स्क्रीन, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने GST नंबर जितने भी हैं सबका एक बार OTP जरूर डाल लेना। एक बार आप OTP अगर डाल लेते हो तो उसके बाद आपको एक महीने तक वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार में ही आपकी क्रेडेंशियल सारे के सारे यहाँ पर सेव हो जाएंगे, एक बार में ही सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो एक महीने के लिए ये लगभग वैलिड रहता है। यहाँ से आप जनरेट OTP करोगे तो यहाँ पर आपका OTP भी जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आपको OTP डालना है। अभी चूंकि हम डेमो डेटा पे काम कर रहे हैं तो आप इसे जब ओरिजिनल डेटा पे काम करोगे तो इससे आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि भाई GSTR 1 के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, कैसे डेटा रिकनसाइल होगा, कैसे मिनटों में डेटा रिकनसाइल होगा। तो इस सॉफ्टवेयर में बने रहिएगा। आपने जैसे यहाँ पर सर्च कर लिया कि भाई वेरिफिकेशन हो गया, तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो कि इनवॉइस डेटा अपलोडिंग और ट्रैकिंग कैसे होगी। तो आप चाहे टैली पे काम कर रहे हो, चाहे बिजी पे काम कर रहे हो, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से माइग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर अपना पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपका टैली बिजी का डेटा है डायरेक्ट यहाँ से ही अपलोड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर GSTR 1 सिलेक्ट करा, तो GSTR 1 सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से डायरेक्ट GSTR 1 को अपलोड कर दोगे, जिससे आपको कोई भी एरर इसके अंदर नहीं आएगी। नीचे जब आप देखोगे तो यहां पर आपको अपलोडेड डेटा समरी दिखाई देगी कि कौन कौन सी डेटा आपने अपलोड किया है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो आपका जो काम है वो बड़ा आसान हो जाता है और आपके गलती करने के चांसेस रह जाते हैं। यहां से आप ये जो फाइल है वो फाइल सिलेक्ट कर लोगे कि भाई आपको किस टाइप का अपलोड करना है। अगर आपने एक्सेल में करा, एक्सेल में CSV फाइल में करा है, वहां से कर सकते हो। तो आपको यहां पर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर सबमिट का बटन ही आपको ओके दिखाई दे जाएगा जब आप फाइनल शीट में काम करोगे। और यहां पर बड़े मजे की बात क्या है, यहां पर यह पूरी समरी आपको दिखा देगा कि भाई कौन सा इनवॉइस प्रोसेस हो गया और कौन से इनवॉइस में एरर है। तो कई बार आपके GSTN में कुछ एरर होती है तो वो आपको बता देगा कि भाई ये आपने जो अकाउंटेंट ने या किसी भी प्रोफेशनल ने डेटा एंट्री करते समय GSTN गलत डाल दिया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाल दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्शनल रिपोर्ट में आपको दिखा देगा कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर गलत है, आप इस डेटा को ठीक कर लो। लेकिन आपका गलत डेटा कभी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा। कई बार जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो गलत डेटा को ले लेते हैं, लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं करेगा। पहली बात तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कई बार रोक देते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि कौन सा डेटा आपका सही है और कौन से डेटा में आपके गड़बड़ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता देगा। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम अपना अगला ऑप्शन देखें GSTR 1, तो यहाँ पर आप सेव GSTR 1 कर दोगे जो उनसे भी पीरियड का है डेटा अपलोड होने के बाद। उसके बाद जो भी आपका डेटा है वो एक क्लिक करोगे आप सबमिट, तो यहाँ पर ये डेटा पोर्टल के ऊपर सबमिट हो जाएगा। और जो कि हमारा GSTR 1 की समरी होती है जो आपको पोर्टल पे दिखाई देती है वो यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी और आप यहां से उसे सेव कर सकते हो और उसे देख सकते हो कि भाई क्या इसके अंदर गलती है, और अगर कोई गलती है तो अपलोड करने से पहले ही आप उसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अभी आप काम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो और उसके बाद ये काम पोर्टल के ऊपर होगा, तो आप पहले से पहले ही उस गलतियों को ठीक यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी समरी जैसे ही आपके पास आ जाएगी उसके बाद आप
रिटर्न को फाइल कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सारा डेटा पोर्टल पे जब जाएगा वो आपके सॉफ्टवेयर से पूरे के पूरे डेटा को फैच कर लेगा और उसके बाद इस डेटा को यहाँ पर सबमिट कर देगा। आप दोनों तरह की समरी देख सकते हो, लॉन्ग समरी भी देख सकते हो और यहाँ पर शॉर्ट समरी भी देख सकते हो। इसमें सारी की सारी वैल्यू एक बार आपको टेबुलर फॉर्म में दिखा देगा। अगर आपको ईवीसी से रिटर्न फाइल करनी है तो ईवीसी से हो जाएगी, और अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करनी है तो यहाँ पर आप TCS के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो या EM साइनर के थ्रू कर सकते हो। तो ये वाली सारी डिटेल्स आप आराम से बैठकर अपनी एरर फ्री GSTR 1 भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। सर आप ये बताओ ना, अब रिकंसलेशन कैसे होगा? तो चलिए अब हम चलते हैं रिकंसलेशन पे कि रिकंसलेशन कैसे होगा। एक बार आपको इस डेटा की ट्रैकिंग भी आपको बता देता हूँ कि जो आपने इनवॉइस डेटा अपलोड करा है आप उसकी ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप जाओगे, यहाँ पर अभी ये GSTR 2 का ऑप्शन आ रहा है, बाद में इस वाले ऑप्शन को जैसे ही लो में चेंज कराए ये बाद में लो के हिसाब से आपको चेंज कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप डेटा की ट्रैकिंग इजीली कर सकते हो कि भाई आपका डेटा किसके अंदर कौन से GST invoice से कितने GST नंबर है। ये सारी की सारी ट्रैकिंग आप एक्सेल सीट के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, आप उसे समरी फॉर्मेट में इजीली कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हम 2B कैसे डाउनलोड करें, ठीक है ना, 2A कैसे डाउनलोड करें। हालांकि 2A की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेन काम हमारा 2B से होता है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि इस डेटा में 2B 2A कैसे करें। इनवैलिड समरी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये इनवैलिड समरी यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी? हाँ सर, ये वाली चीज़ें हमारे को क्लियर हो गई है। अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हाँ सर इसमें मेरे को ये डाउट दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात चल रहे हैं कौन सी वाली रिटर्न पे, GST रिटर्न डेटा। तो जैसे ही मैं GST रिटर्न डेटा पर जाऊँगा और मैं GSTN नंबर डालूँगा, तो GSTN नंबर डालने के साथ ही पूरा का पूरा डेटा मेरे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। जैसे मुझे 2B का डालना है तो 2B का आ जाएगा। यहाँ पर मैं पीरियड डालूँगा कि भाई मुझे किस पीरियड का डेटा चाहिए, तो मुझे उस पीरियड का डेटा 2B का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे आप पोर्टल पर जाकर एक एक मंथ का 2B देखते हो, आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा का सारा डेटा आप यहाँ से देख सकते हो और आपको लेटेस्ट डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, ये आपको हर बिल के ऊपर, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता देगा। जैसे लिखा हुआ है GSTR 2B इज बींग जनरेटेड एंड शुड बी अवेलेबल। अगर आप पहले डाउनलोड कर लोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो 14 तारीख के बाद इसे डाउनलोड करोगे तो सही आएगा। अब हम इसके बाद आपको दिखाएंगे कि भाई इसे रिकंसलेशन डेटा कैसे बनाए। तो यहाँ पर इन्होंने अलग मेन्यू दिया हुआ है प्रिपेयर रिकंसलेशन डेटा का, तो आप मंथली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक रेंज बाउंड भी कर सकते हैं कि भाई आपको 3 महीने का करना है, 4 महीने का करना है। और यहाँ पर मजे की बात क्या है कि आप GSTN बेस रिकंसलेशन भी कर सकते हैं और पैन बेस रिकंसलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप GSTR 2B सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे को रिकंसलेशन GSTR 2B से ही करनी है, ठीक है ना। आपको जो सिलेक्ट करना है आप उसमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मजे का जो टैब है ना, इसमें एक है टॉलरेंस टाइप। कई बार क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अगर पैसों का भी डिफरेंस होता है वो मिसमैच दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ना आप अपना टॉलरेंस टाइप लगा सकते हो कि भाई 2 रुपये तक का डिफरेंस, 10 रुपये तक का डिफरेंस हमें ना दिखाए। तो अगर आप ये टॉलरेंस टाइप को अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका सारा का सारा डेटा मैच हो जाएगा। इसमें आपको बता देगा कि कितना ये टॉलरेंस का टाइम है, किसका नहीं है। तो ये आप अगर ये टॉलरेंस टाइप अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप B2B का डालना है तो B2B का ही मैच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे को जो ITC लेना होता है B2B का, यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई हमारा जो टॉलरेंस है वो कम से कम 10 रुपये की होनी चाहिए या 20 रुपये की होनी चाहिए। तो जितना भी हम टॉलरेंस इसके अंदर डालेंगे
वो हमारे को उतने ही टॉलरेंस को, अंतर को हटा देगा। तो मेरा मानना ये है कि आपको 5 रुपये 10 रुपये तक की टॉलरेंस डालकर रखनी चाहिए, जिससे कि आपका अननेसेसरी का डिफरेंस ना आए, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह की जो छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं वो आपका टाइम को ख़राब करते हैं, जबकि उससे रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता। तो आप टॉलरेंस 1 रुपये में डालना है 1 रुपया डालो, जैसे भी आपको डालना है वहाँ पर वैसे ही आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिकंसलेशन डेटा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसेस रिकंसलेशन पर जाओगे तो सारा डेटा आपको रिकनसाइल करके दे देगा कि भाई मिसिंग इन GST रिटर्न डेटा, कि भाई ये वाला डेटा आपके जो पोर्टल है उस पर मिस है या हमारे सॉफ्टवेयर में मिस है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक्शन पेंडिंग रिकॉर्ड्स भी आपको दिखा देगा कि किन रिकॉर्ड्स पर आपको क्या क्या एक्शन लेना है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने खुद का खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखा है, जिससे कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से मोनिटर कर ले और जो भी डिफरेंस है आपको एक ये दिखा दे। देखो दो चीज़ें दिखा रहा है, मिसिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मिसिंग इन गेट रिटर्न डेटा। मतलब अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस है और वो पोर्टल पे मिल गया तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपके पोर्टल पर है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है तो वो भी देख सकते हो। तो दोनों डेटा आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हो। टॉलरेंस लेवल आपने पहले ही लगा दिया कि भाई 5 रुपये का टॉलरेंस है 10 रुपये का है, तो इससे जो छोटे मोटे डिफरेंस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वाला क्लियर हुआ या नहीं कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि ये कैसा लगा इसका फीचर, इस वाले सॉफ्टवेयर का ये फीचर आपको कैसा लगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे इसके अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर ये भी चीज़ चेक कर सकते हो कि जिन लोगों से मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरे सप्लायर किस टाइप के हैं, ठीक है ना, उनका उनका जो GST है क्या वो पूरा कंप्लाइंट है या नहीं है। तो जैसे हमारा सेक्शन 38 के अंदर अभी नए नए चेंजेज आ रहे हैं तो उसमें हमें सप्लायर को चेक करना है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर उसका हेल्थ चेक कर सकते हैं। जैसे हम किसी का हेल्थ चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर हम उसका भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है सजेस्टिव मिसमैच कितने हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आपके मैचिंग कितने हैं। ये आपको ना अपने आप ही इन्होंने फिल्टर बना दिए कि जो जो चीज़ें हो सकती हैं आप एक बार आराम से देख लो, ठीक है। और अगर आप जैसे ही इन्हें एक्सेप्ट करोगे तो जो मिसमैच वाले हैं 1-1 रुपये 2-2 रुपये 10-10 रुपये, अगर आपने टॉलरेंस लेवल नहीं लगाया तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, वो सारा का सारा डेटा आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इनकी टीम से डेमो ले सकते हैं, ये आपको सारी की सारी चीज़ों में हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये पूरा डेटा है, ठीक है ना, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि भाई आपने 26 नंबर डाला हुआ है, GST पोर्टल 22 नंबर दिखा रहा है, अब बताओ हम इसका क्या करें। तो आपको ये प्रोबेबल जितने भी मैचिंग हो सकती है वो यहाँ पर आपको करके दिखा रहा है। मतलब जो काम एक ह्यूमन को करना चाहिए जिसमें हमारे 2-2, 4-4 स्टाफ लग जाते हैं, वो सारा का सारा काम ये सॉफ्टवेयर आपको कर दे रहा है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने ऑफिस में कोई भी काम को सफल बना लें, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। हाँ सर, इसमें ये डाउट है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर आपके काम में थोड़ी सी मदद कर सकता है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला एक्शन कि भाई हमें अपने डेटा को मैच कैसे करना है। और यहाँ पर देखो सजेस्टिव इन्होंने मिसमैच दे दिया, सजेस्टिव मैच दे दिया कि भाई यहाँ पर आपका GST नंबर आपने कुछ और डाला है, दूसरे ने GST नंबर कुछ और डाला है, तो ये लेकिन आप देख लो। तो हो सकता है कि आपने गलत GST नंबर डाल दिया हो, तो आप उसे अपने डेटा में ठीक करके उसे मैच के अंदर ले जा सकते हैं। ये चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के जब आप मेन्यूज पर जाएंगे और आप उसे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, ठीक है। अभी भी हम इस पर भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम इसे कैसे और एक्सप्लोर करें और आपके लिए और आसान इसे कैसे बनाएं। तो अगर इसमें और कोई भी अपडेट्स आती रहेंगी तो हम आपको शेयर करते रहेंगे,
ठीक है ना जी। तो ये आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो कई बार जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटे से डिफरेंस की वजह से ही कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है। तो आप ये बाकी फील्ड इनवॉइस नंबर 2 दिखा दिए, इनवॉइस डेट दोनों दिखा दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 452.56 रुपये है, यहाँ पर 54 पैसे 2 पैसे का डिफरेंस है, CGST अमाउंट में इतने पैसे का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अलग अलग दिखा रहा है आपको। तो आपको बिल्कुल हर फील्ड को चेक करने में बड़ा आसानी हो रही है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में है, ये GSTN पर है, आप किसे मैच करना चाहते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप अपने डेटा को मैच करोगे तो मेरे हिसाब से आपका थोड़ा बहुत समय इसमें बच जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही समय यहाँ पर बच जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हर मैच में, हर मिसमैच में बहुत सारी फील्ड्स को दिया है कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। हालाँकि इस सॉफ्टवेयर का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो अगर आपको इसका डेमो देखना, इनसे बात करनी है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं और इसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। एक बार इसमें आगे चल के देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस ये आपको दिखा रहा है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी इसने टेबल आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दी है। तो यहाँ पर ये देखो, एक चीज़ इसमें और है कमाल की कि रिकंसलेशन मेलिंग स्क्रीन। अगर आप ये रिकंसलेशन आप मेल करना चाहते हैं अपनी किसी भी पार्टीज़ को, तो आप यहाँ से मंथली ईयरली मेल कर सकते हो कि भाई आपके डेटा में ये सारी चीज़ें आ रही है और यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल आप अपनी मेल पर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे सारा का सारा डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। और अगर यहाँ पर आप किसी को मेल आईडी आपने अगर डाल रखी है सॉफ्टवेयर में, तो आपके क्लाइंट्स को ये सारा का सारा डेटा मेल भी चला जाएगा, जिससे आपको फर्दर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक सेंड मेल पर क्लिक करना है, आपका सारा डेटा मेल हो जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इस डेटा को एक बार देखिए, इस सॉफ्टवेयर को, और इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक देखो रिपोर्ट कार्ड है। ये रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपको सारी तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। लगभग 20-30 तरह की रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने दी है, ठीक है। ईयरली रिकंसलेशन, आपके सप्लायर का डेटाबेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी है। सिंपल आप GSTN पर क्लिक करोगे तो जैसे हमारे ब्लड टेस्ट करके निकल लाते हैं ना, तो ऐसे आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ से जनरेट होकर आ जाएगी। जो आप एक्सेल में बना रहे होते हो ना डिटेल, वो सारी की सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आपको दे दी है कि आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप पूरी रिपोर्ट कार्ड उसकी निकाल लो, आपको बाद में एक्सेल में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही इस चीज़ों को कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो कैसा लगा आपको सॉफ्टवेयर का डेमो, तो आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर हमने आपको लगभग 42 रिपोर्ट्स इन्होंने सॉफ्टवेयर में दी है। तो आप कोई सी भी रिपोर्ट्स को यहाँ पर उठाकर देख सकते हो, जिससे कि आपका आने वाला काम करने में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका 21-22 का डेटा हो, 22-23 का, वो सारा का सारा बड़ा ईजी हो जाए। तो यहाँ पर GSTR 3B भी देख सकते हो, 3B भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे हमने GSTR 1 बताया, रिकंसलेशन बताया, आप ऐसे यहाँ पर 3B भी बना सकते हो। और लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारी रिपोर्टें हैं, एक बार उसे एक्सप्लोर करो। देखो 3B आपको बनकर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे गई है कि भाई ये कैसे ये स्क्रीन पर ये डेटा आ रहा है। तो कई बार हमारे को 3B में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आपका पूरा यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। आपको अगर मैनुअल ऑफसेट करना है तो मैनुअल ऑफसेट का भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, और सिस्टम सजेस्टेड भी दे रहा है। तो आपको जोन से ऑप्शन में जाना है, वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि आप एक बार इसे एक्सप्लोर करो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे कि इस तरह के सॉफ्टवेयर की जानकारी बाकी लोगों को भी मिल सके, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3B भी कर सकते हो, ठीक है, 1B कर सकते हो, सप्लायर का डेटा भी, रिकंसलेशन भी, बहुत सारी चीज़ें। इसका लिंक हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये वीडियो कैसी लगी और इस सॉफ्टवेयर
पे आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये TCS ने बनाया है। और आपको पता है रतन टाटा जी, ठीक है ना, बहुत बड़ा सम्मान रखते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो हमें लगता है कि सॉफ्टवेयर पे पूरा विश्वास किया जा सकता है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।